ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। आज इतिहास की गर्द से आपको एक ऐसा मंत्र दूंगा जो कि आपके बिगड़े हुए काम बना देगा। बहुत सी माताओं बहनों के प्रश्न आते हैं कि गुरु जी कोई ऐसा सरल सा मंत्र दीजिए जैसे कि हम घर पे ही कर पाएं, क्योंकि बाहर जाना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो जो भी माताएं बहनें चाहते हैं कि उनके जो पति हैं वो उनके वश में रहें और बस जैसा वो चाहती हैं बिल्कुल वैसा ही वो करें, तो ये जो मंत्र है ये बहुत ही कारगर है। ये सिर्फ पुरुषों पर ही काम नहीं करता, ये महिलाओं पर भी काम करता है। मतलब आप इसको किसी स्त्री को अट्रैक्ट करने के लिए भी कर सकते हैं और किसी पुरुष को भी। और ये कुछ ऐसी प्रेत शक्तियाँ होती हैं जो कि आप भेजते हैं और वो जो चीज़ें अपना काम कर कर ही वापस आती हैं। इनको भेजना बहुत ही सरल है। आपको मैं एक मंत्र दूंगा, उसकी सिद्धि कीजिए और उसके बाद जो है जो सामने वाला व्यक्ति होगा उसे दिन रात बस आपके ही सपने आते रहेंगे। आपने देखा होगा कि कई बार हम जब चलचित्र देखते हैं, जब कोई फिल्म देखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो मेन कैरेक्टर होता है उसके प्रति आपका रुझान हो जाता है, आकर्षण हो जाता है। आपने देखा होगा कि जो एक्टर्स होते हैं उनकी कितनी फैन फॉलोइंग होती है, कितने लोग जो हैं उनसे प्रभावित होते हैं। तो वैसे ही जब कोई आपके सपने में आता है तो आप उससे प्रभावित हो जाते हैं और आपका जो रुझान है वो उनकी तरफ हो जाता है। सिर्फ सपनों में आना काफ़ी नहीं है, ये जो शक्तियाँ हैं ये भी पक्का करती हैं कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो आपकी तरफ इंक्लाइन हो जाए, आपकी तरफ मुड़ जाए, आपकी तरफ उसका रुझान हो जाए। कुछ ऐसे बीज बो देती हैं सामने वाले व्यक्ति के दिल में कि वो आपको अगर एक बार देख लेगा तो आप उसकी आंखों में ही समझ जाएंगे कि जो काम आपने इन शक्तियों को दिया था वो हो गया है। तो वो जो एक फ्रेग्रेंस होती है, वो जो एक सुगंध होती है पहले प्यार की, अगर वो आपको किसी के मन में डालनी है तो इस मंत्र का प्रयोग आप कर सकते हैं। मंत्र बड़ा ही सिंपल है। आपको क्या करना है कि कोई ऐसा स्थान ढूंढिएगा जहाँ पर कि ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो, जहाँ पर आप ये साधना कर सकें, और 108 की संख्या में आपको अपने ही गार्डन में या फिर अपने ही कमरे में, कमरा जो है वो हवादार होना चाहिए, और जब ये क्रिया करें तो ये सुनिश्चित करें कि आपके आसपास कोई ना हो, अकेली आत्मा होनी चाहिए सिर्फ आप। अगर कोई तीसरा व्यक्ति है साथ में, दूसरा व्यक्ति है साथ में, तो ये प्रयोग काम नहीं करेगा। एकांत में करना है और जब तक इसका असर ना दिख जाए तब तक किसी और को ये नहीं बताना है। ये सब कुछ गुप्त रखना होता है जब तक कि आपका जो मनोरथ है वो फलित ना हो जाए। और जब आप इसकी सुगंध ले पाएँ, जब आप इसका रसपान कर पाएँ, उस समय पर आप किसी को भी बता सकते कि मैंने ऐसा ऐसा किया था और ऐसा ऐसा हुआ। लेकिन जब तक ये फलित ना हो उससे पहले इसके बारे में किसी को बताना ये मनाही है। यदि आप ऐसा करते हैं, इससे पहले किसी को बताते हैं, तो ये काम नहीं करेगा। क्योंकि मंत्रों में क्या होता है कि आपका जो विश्वास होता है वो सर्वोपरि होता है। अगर उसमें ज़रा सी भी त्रुटि हुई, थोड़ा डामाडोल हुआ, तो बात बनेगी नहीं। तो पूर्ण विश्वास के साथ इस मंत्र का प्रयोग कीजिए 108 की संख्या में, किसी अनार के पेड़ के नीचे, किसी बरगद के पेड़ के नीचे, या फिर कोई हवादार कमरा हो उसमें बैठकर एकांत में स्वच्छ हृदय के साथ, प्रफुल्लित मन के साथ इसका प्रयोग कीजिएगा, तो सामने वाला जो है वो आपके सामने नतमस्तक हो जाएगा। ये लाखों व्यक्तियों पर आजमाने के बाद आपको बता रहा हूँ। इसको कभी भी किसी का अनिष्ट करने के लिए प्रयोग में ना लाएं, क्योंकि इस प्रयोग को कर देने के बाद जो भी अमुक व्यक्ति होगा वो दिन रात बस आप ही के बारे में सोचता रहेगा, उसकी रातों की नींदें हराम हो जाएंगी। इसलिए कभी भी किसी द्वेषवश किसी का अनिष्ट करने के लिए इसका प्रयोग ना करें। मंत्र मैं आपको बता चुका हूँ, ये रहा मंत्र, इसको अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए और इसके बाद जो है इसका 108 की संख्या में जाप शुरू कीजिए।
मंत्र है ईना एलवेना, मेरी शक्ल बन, अमुक व्यक्ति के पास जाना और वहां से वापस ना आना। ईना एलवेना, मेरी शक्ल बन, जो भी आपका साध्य व्यक्ति है, जिसको भी आप अपने वशीभूत करना चाहते हैं, उसका नाम यहाँ पे लीजिएगा। मेरी शक्ल बन जाना, अमुक व्यक्ति के पास जाना और वापस ना आना। इस मंत्र को पूर्वमुखी होकर आपको जाप करना है। अब कई लोग होते हैं जिनको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कि गुरु जी पूर्वमुखी क्या होता है। तो पूर्वमुखी सिंपल सा समझ लीजिए कि आपको सूरज की तरफ फेस करके बैठ जाना है। आपकी जो पीठ है वो सूरज की विपरीत दिशा में होनी चाहिए। आप मंदिरों का भी स्ट्रक्चर देखिएगा तो जो उनका फेस होता है वो पूर्व की तरफ ही खुलता है। तो आप ये अपनी दिशा का निर्धारण करने के बाद कोई ऊनी कंबल बिछाएं या जो भी यथासंभव आपके पास हो उसको बिछाकर आसन ग्रहण करें और अपने इष्ट देव से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि इस साधना में आपको सफलता प्रदान करें। फिर एक दिया प्रज्वलित करें तिल के तेल का, याद रखिए तिल के तेल का ही होना चाहिए, और उस पर उसकी लौ पर अपना हाथ रखें और अपने इष्ट देव से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, ये जो मैं अनुष्ठान कर रहा हूँ इसमें मुझे सफलता दीजिए और ये निम्न कारण है जो कि मैं चाहता हूँ चाहती हूँ और इस वजह से मैं ये प्रयोग कर रही हूँ और मेरा इसमें सहयोग करें। इसके बाद उस लौ को अपने पूरे शरीर पर लगाएं और शक्ति को महसूस करें। बार बार लौ पर अपना हाथ गर्म करें और अपने शरीर पर लगाएं और ये महसूस करें कि अग्नि देव जो हैं वो आपके साथ हैं। इस प्रकार से आपको इस मंत्र का जाप करना है। इसके बाद जब ये पूरा हो जाए, जाप आपको 108 बार कर देना आँख मूंद कर, और ये सुनिश्चित करें कि आपके आसपास कोई ना हो, किसी तरह की कोई डिस्टर्बेंस ना हो, क्योंकि आपका जो ध्यान है वो एकाग्रचित होना चाहिए। जब मन और मस्तिष्क दोनों एक जगह पर आ जाएंगे उस समय पर ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। आपको इस मंत्र को एक हफ्ते, 21 दिन, 41 दिन, 50 दिन, 51 दिन, आपको इस तरह से इसकी संख्या बढ़ाते जाना है। यदि एक हफ्ते में काम हो जाए तो आपको 21 दिन करना है, यदि 21 दिन में काम हो जाए तो आपको 51 डेज करना है। तो ऐसे ऐसे आपको बढ़ाते रहना है, जब तक काम ना हो तब तक आपको इसकी संख्या बढ़ाते रहना है। इसको तभी शुरू करें जब आप इतने सामर्थ्य हो कि आपके पास इतना समय हो कि आप एक घंटा या फिर आधा घंटा आराम से निकाल सकें अपनी साधना के लिए। और इसके बाद देखिएगा कि जो भी सामने वाला व्यक्ति होगा वो आपके सामने नतमस्तक हो जाएगा, उसे ना दिन दिखेगा ना रात, बस वो आप ही की सेवा में लगा रहेगा। जब आप उसे नहीं दिखेंगे तो वो बस आप ही के बारे में सोचता रहेगा और आपके दिख जाने पर वो कुछ बोल नहीं पाएगा। मैंने ऐसे ऐसे केस भी देखे हैं जिनमें कि पहले ही रात से असर होना शुरू हो गया था। बहुत ही पावरफुल, बहुत ही चमत्कारी मंत्र है जो कि मैंने अब तक किसी को नहीं बताया है। ये पहली बार है जो मैं इसको रिवील कर रहा हूँ, तो इस शक्ति का दुरुपयोग ना करें। और कोई दिक्कत परेशानी आए, दिशा निर्धारण में कोई दिक्कत आ रही हो या कहीं त्रुटि हुई हो, मंत्र ना समझ में आ रहा हो, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 999-284-1625 पर। आपको यदि सिद्ध यंत्र चाहिए, किसी भी तरह का मंत्र चाहिए, कोई कोर्स करना हो, षटकर्म करने हो, कोई भी कर्मकांड सीखना हो, तो आप जा सकते हैं kaliavidya.com पर। वहाँ पर आपको उचित मूल्य पर ये सारे कोर्सेस मिल जाएंगे। और आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 999-284-1625 पर। इस मंत्र की एक खास बात यह है कि जिस दिन से आप इसको शुरू करेंगे उस दिन से ही अमुक व्यक्ति को, जो भी आपका साध्य होगा, उसको आपके स्वप्न आने शुरू हो जाएंगे। और स्वप्न ऐसे आएंगे कि जो आपको उसकी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, दोनों को, आपको भी और उसको भी। यदि आपकी भी भावनाएं अगर तीव्र हो जाएं इस मंत्र को करने के बाद तो घबराइएगा नहीं, क्योंकि जैसे जैसे आपकी भावनाएं तीव्र होंगी वैसे वैसे सामने वाला व्यक्ति भी
आपकी ओर आकर्षित होगा। तो पूर्ण श्रद्धा के साथ स्वच्छ हृदय से इस मंत्र का प्रयोग कीजिएगा तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी। और जो लोग मांसाहारी हैं वो कृपा करके जब तक ये प्रयोग करें तब तक मांस को छुए बिना किसी भी तरह का मादक पदार्थ, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, ये जो चीज़ें हैं इनको दूर रखें। ये इन शक्तियों को कतई पसंद नहीं है। आप इन सब चीज़ों से दूर रहें और फिर इसका प्रयोग करना शुरू करें और फिर देखिए किस तरह से जो सामने वाला व्यक्ति है वो आपके सामने नतमस्तक हो जाएगा। जैसे ही आपका काम बन जाए एक बार मुझे कॉल अवश्य करें ताकि मैं ये रिकॉर्ड रख पाऊँ कि कितने लोगों का काम अभी बना है 2024 में। धन्यवाद।